पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल के सोमवारा भवानी चौक से यात्रा प्रारंभ हुई, जो इतवारा होते हुए जीपीओ पोस्ट ऑफिस पर समापन हुई। सभी युवाओं ने हाथों में लिए तिरंगे के साथ भारत माता की जयकारे के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा में ढोल, घोड़ी, बग्घी और जबलपुर से पधारी बैंड पार्टी भी सम्मिलित हुई। अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी देश की जनता का आह्वान किया है कि इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हैप्पी बर्थडे के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाएं। आज पुराने भोपाल के भवानी चौक सोमवार में हम सभी लोग आज पुराने भोपाल में हम सभी राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में हमने जबलपुर का राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीत के लिए श्याम बैंड को भी यहाँ बुलाया है, जो कि आज का इस तिरंगा यात्रा का आकर्षक रहने वाला है। आज भोपाल वासियों को हम ये बताना चाहते हैं, नई पीढ़ी को, कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। क्योंकि जब देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, भारत माता की जय का स्वर झकझोर कर लोग नारे लगा रहे थे, उस समय भोपाल में आज़ादी नहीं मिली थी। क्योंकि भोपाल का नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहते थे कि भोपाल का स्वतंत्र भारत के अंदर विलय